ये सोच क्या कि धर्म के काम में जा रहे, कल्याण होगा और क्या। कैसा लग रहा है यहाँ व्यवस्था? बहुत अच्छा लगा, यहाँ का परिवेश देख करके बहुत ही अच्छा लगा। कहाँ से आए हैं? कलकत्ता से आए। पूरा फैमिली के साथ? पूरे फैमिली के साथ। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राकेश मिश्रा। आप बाबा को कब से सुन रहे हैं आप? बाबा को हम कम 2 साल से जुड़े हैं बाबा से। बाबा के साथ क्या फायदा हुआ आपको? काफ़ी हद तक जीवन में सुधार आया, गृहस्थ आश्रम में भी सुधार आया, जीवन में जो बुरा चल रहा था वो थोड़ा ठीक होने लगा। सुनने के बाद में इसमें क्या सुधार देखने को मिला आपको? बहुत सुधार हो गया है। जैसे? पहले बहुत लड़ते थे, अब नहीं लड़ते हैं। हम लोग चाय की सेवा दे रहे हैं। प्रदीप मिश्रा का जो कैंप यहाँ लगा हुआ है, शिव पुराण का कथा चल रहा है, उसमें जुगसलाई के अभी सभी हम लोग दोस्त यार मिल के, सभी भक्त मिल के यहाँ पे 4 दिन से चाय की सेवा दे रहे हैं। आज का हम लोग का टारगेट यही है कि जो भी 150 लीटर दूध लेके आए और रात भर मतलब चाय चले, सुबह यदि फिर लगेगा, यदि हम लोग को दूध और लेके आना होगा तो हम लोग उसकी भी व्यवस्था करेंगे। मतलब चाय कल दिन में 12 बजे तक चाय मिलते रहेगा, चाय और बिस्किट की व्यवस्था रहेगी। सर हम लोग अपने तरफ से जो है, हमारा तो कुछ भी सहयोग नहीं है सर, जो है भगवान का सहयोग है। और यहाँ पे जो सेवा चल रही है इसमें हम लोग सब मिल करके फ्रेंड लोग हैं, तो उसमें हम लोग चाय और बिस्किट का जो है आयोजन किया था। और उससे पहले फर्स्ट डे जो थे हम लोग ने कंबल भी यहाँ वितरण किया। और जब हम लोग को लगा कि यहाँ पे चाय की ज़रूरत है, क्योंकि बाहर से जो लोग आए हैं उनके लिए यहाँ पे व्यवस्था चाय की ज़रूरत है, तो मुझे लगता है कि रात भर ये जो चाय का काउंटर है ये चलाएंगे। और साथ ही साथ जो है कल जो है समापन है कथा का, तो वहाँ कल तक जो है ये काउंटर चलेगा। डोबो में 5 दिन से जो शिव पुराण भगवत कथा चल रही है, उसमें सभी भक्तों को की भीड़ को देखते हुए और ठंड को देखते हुए हमारे सब सहयोगी, हमारे मित्र और दोस्त और रोबिन हुड आर्मी के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और पहले दिन हम लोगों ने कंबल का वितरण किया और दूसरे दिन से हम लोगों ने चाय की स्टॉल लगाई है, जिसमें चाय के साथ नमकीन, बिस्किट मीठा और नमकीन दोनों ही है, ताकि लोगों को ठंड कम लगे, इसलिए हम लोग लगातार चाय बना रहे हैं और ये चाय लगातार चलती रहेगी।